कि अभी तो ये बताए हैं कि सारे अस्पताल हमारे बन गए हैं, इतने हम भर्ती कर सकते हैं, इतने ये हैं, लेकिन अभी मैं कमिश्नर बस्तर से बात किया, छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं जो तेलंगाना से और उस साइड से आए हैं, लगभग 1,000 लोग सीमा पे खड़े हुए हैं, ना उनकी ठहरने की व्यवस्था है, ना उनकी भोजन की व्यवस्था है, ना उनकी वाहन की व्यवस्था है। अब इतने लोगों को कोई खिला भी सके ये भी संभव नहीं है, इसलिए उनको जहां भी उनके रहने की व्यवस्था करनी है, मैंने अभी कमिश्नर साहब को कहा है कि आप उसकी तत्काल व्यवस्था करिए और ऊपर बातचीत करके उनके गाड़ी में वाहन की व्यवस्था लगाइए, जिससे उनको, आपके ही संभाग के लोग हैं सब, उनको जहां भी जाना है वहां तक उनको पहुंचाने की व्यवस्था करें। नहीं तो जो घटनाएं अभी घट रही है, एक तो तेज धूप है, दूसरा भूखे लांघन रहेंगे तो और भी दुर्घटना घटित होने की संभावना है, इसलिए इस समय पे सबको इसमें तत्परता के साथ में काम करने की आवश्यकता है और बचने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ में वहां पर झारखंड के भी और अन्य प्रदेश के भी मजदूर वहां पर हैं, उनको भी वहां से शिफ्ट करने की आवश्यकता है। बातचीत करने के बाद में मैंने कहा है कि जो भी जानकारी होगी आप बाद में बताएंगे इस बात को, और ये जानकारी में रहे। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से लेकर के आपके अंबिकापुर तक, इधर जो शहडोल जाने वाले हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं, एक समय में लोग सब भोजन की व्यवस्था कर रहे थे, और जो जिनकी श्रद्धा हो रही थी अपने अपने घर से खिला रहे थे, उनको कोई अनाज की व्यवस्था कर रहे थे, बाकी चीज कर रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा आह्वान किया गया और आह्वान करने के बाद में आज वो सारी व्यवस्थाएं सरकार अपने ऊपर ले ली, और व्यवस्था लेने के बाद में जो सरकार व्यवस्था कर रही थी वो भी बंद हो गई, निगम वाले चावल खरीद करके सोसाइटी को दे दिए, अब यहाँ भोजन बनना भी बंद हो गया, लोगों का जो प्राइवेट खिला रहे थे वो भी बंद कर दिए, ऐसे जो मजदूर जा रहे हैं आखिर उनकी क्या स्थिति बनेगी? ये यदि व्यवस्था में छेड़छाड़ नहीं करते तो सरकार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, काफी संख्या में समाज के लोग और बाकी लोग मिलकर के इस भोजन के प्रबंध में लगे हुए थे, लेकिन